नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा BSTC की काउंसलिंग के बारे में। आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस दिन से स्टार्ट हो जाएगी, इसी के साथ जो नया प्रश्न जारी किया गया है उसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काउंसलिंग पर जो कोर्ट का जो फैसला है दोस्तों, अब क्या रहने वाला है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया द्वारा कब से स्टार्ट हो जाएगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप प्रेस नोट देख पा रहे होंगे, कार्यालय निदेशक प्रारंभ शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश से एक रूपता रखते हुए जिन संस्थानों को 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा यानी DL.ED पाठ्यक्रम हेतु 2019-20 में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसिलिंग में स्थायी रूप से सम्मिलित किया गया था, तो जिन कॉलेजों को 2019-20 के सत्र में प्रवेश हेतु जो अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया था, वे संस्थान 2020-21 में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 20/11/2020 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। तो उन कॉलेजों ने रेट लगा दी थी उसको लेकर यहाँ पर जो प्रेस नोट जारी किया गया कि आप अपने जो सारे काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट के लिए अपने जो प्रार्थना पत्र है वो प्रस्तुत करें ताकि आपको द्वारा से सम्मिलित किया जाए, और उस पर जो फैसला आएगा दोस्तों तो अगले 1-2 दिन में आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया द्वारा से स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो पुराना प्रश्न है वो दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं 26/10/2020 तक जो काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो नई जो कॉलेज थी अस्थायी रूप से 2019-20 में जो काउंसलिंग होने वाली थी दोस्तों, या जो BSTC कराने वाली जो कॉलेज थी उन्होंने रिट लगा दी थी, तो उस पर यहाँ पे फैसला आया था कि 26/10/2020 तक अधिकृत वेबसाइट पर जो जारी ऑनलाइन पंजीकरण काउंसलिंग प्रक्रिया उसे रोक दिया गया था 26 तारीख तक, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगले 1-2 दिन में। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है अगले 1-2 दिन में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना दोस्तों। BST संबंधित अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलते के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।